गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया को यूएसए और बाकी बड़ी इकोनॉमी से भी आगे कर दिया है। एक रिपोर्ट आई है इनकी, जिसके मुताबिक इंडियन इकोनॉमी साल 2075 तक यूएसए को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, यानी दूसरे नंबर पर होगी। फिलहाल भारत दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, जिसका साइज है $3.5 ट्रिलियन। लेकिन भारत का लक्ष्य है 2027 तक $5.4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2075 में भारत जहां $52.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, वहीं अमेरिका सिर्फ $51 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। लेकिन दूसरी तरफ चाइना उस समय नंबर वन यानी कि बिगेस्ट इकोनॉमी होगा, जिसका जीडीपी होगा करीब $57 ट्रिलियन। गोल्डमैन का ये एस्टिमेट भारत की तेजी से बढ़ती लेबर फोर्स और स्किल डेवलपमेंट से इस वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। पिछले कुछ सालों में भारत में तेजी से ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ा है और स्टार्टअप इकोसिस्टम में आई तेजी से जीडीपी के नंबर्स में उछाल भी दिखाई दिया है। आईएमएफ की भी एक रिपोर्ट आई, जिसका ये कहना था 2047 तक इंडियन मिडिल क्लास का साइज 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। अगर आप इंडिया को नंबर वन बनते देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।